welcome to the channel. Thank God. ये एक ट्रेलर का नेम है, एक मूवी का नाम, मूवी का नेम है. अजय देवगन सर हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, दोनों अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं. और देखते हैं अभी ट्रेलर कैसा होने वाला है. अजय देवगन सर की तो अभी मुझे याद है, वो एक आई थी ना हाईवे या रनवे, पता नहीं कोई रनवे 334 थी, जिसमें कैरी मिनाटी का एक साइड रोल भी था. वो मुझे कुछ प्लेन और वो उससे पायलट से रिलेटेड थी. तो देखते हैं, दोबारा मूवी आई है ये और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आई है. तो देखें ये मूवी का ट्रेलर कैसा होने वाला है. करते हैं ट्रेलर स्टार्ट. लेकिन ट्रेलर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन. जो थैंक गॉड वर्ड है ये अपने आप में कितना अमेजिंग सा वर्ड है, थैंक गॉड. तो देखेंगे इसमें इससे क्या है, मतलब मूवी से भी कुछ रिलेट, ये स्टोरी से रिलेट कर रहा होगा ये वर्ड, तभी उन्होंने रखा है इसका नेम. तो करते हैं वीडियो स्टार्ट. सो लेट्स प्ले. मैं आज शाम पत्नी हूँ कि पीटी मीटिंग में नहीं पाऊँ. यार अयान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे कभी तो समझा करो यार, तुम्हें पता नहीं कितना प्रेशर है मेरे पे. पागल है क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम अयान कपूर. ये हो क्या रहा है, कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी यमदूत. मैं हूं चित्रगुप्त और मेरा काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना. इसका मतलब मर गया हूं? ना तो तुम मरे हो ना जिंदा हो, बीच में कहीं लग गए. हम तुम्हारे साथ एक गेम. ये क्या गेम? कौन सा गेम? द गेम ऑफ लाइफ. क्या? तुम्हारी पहली वीक तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. तुम किसकी गाड़ी तोड़ रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी नहीं, हम तो ओला से आए थे. मोटे तुझे तो लिफ्ट में आना ही नहीं चाहिए, सीढ़ी से जाके. तुम्हारी दूसरी वीकनेस जेलसी. तुम अपनी बीवी से जलते हो. क्राइम ब्रांच में तुम्हें बताए बिना अप्लाई कर दिया था. And guess what? I cleared it. नमक डाल. मेरे पास नमक कहाँ है? नहीं है. तो मेरे जख्मों पे तो छिड़क ही रहे ना तुम. अगर मुझे मौका मिलता ना, अरे सिंघम होता मैं. सिंघम. सिंघम. तू मेरी चिंता मत कर. मार गोली. भाई, तू ही मेरा गला काट के मुझे खत्म कर. एक ऐसी वीकनेस जो सिर्फ तुम में नहीं हर मर्द में होती है, लस्ट, वासना, काम. पराई औरत को बहन और माँ की नजर से देखना चाहिए. तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते. तुझ प्राणी खेलेगा या नर्क की आग में जलेगा, बोल. तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक जोक सुनाता हूं. शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है? क्यों? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती. यार जबरदस्त, फुल ऑफ कॉमेडी, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, इतना जबरदस्त है. अच्छा जो ही मैंने ट्रेलर स्टार्ट किया तो अभी क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था सिद्धार्थ एंड ही वाज लाइक चलो किससे फोन पे भी बात कर रहा था, अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है उसको रोक लेती हैं. मुझे मेरे अचानक माइंड में म्यूजिक भी चल रहा है, मैं यार ये मैंने कहीं सुना हुआ है. फिर मुझे याद आया युहानी जो श्रीलंकन सिंगर है, उनका एक लास्ट ईयर एक सॉन्ग आया था मनी के मागे हिट, अराउंड द ग्लोब बहुत हिट हुआ था. इवन बिग बॉस में भी सलमान खान ने इनवाइट किया था. तो बहुत ज़बरदस्त है वो सॉन्ग, लेकिन उसकी म्यूजिक और उसकी धुन पीछे आ रही है डेफिनेटली. वो सॉन्ग अभी इन्होंने ऑफिशियली तौर पे लॉन्च नहीं किया, वो इन्होंने इन्हें एक्वायर कर लिया है. वो टी सीरीज तो हर कीमती चीज़ यूँ खरीदती है ना चुटकियों में, मतलब बहुत बड़ा नाम है टी सीरीज. तो वो ये कहती है कि
मतलब हर बड़ा सॉन्ग जो होता है उसको अक्वायर करना है लीगल तौर के ऊपर, उनके राइट्स खरीद लेना और उसके बाद उसको अच्छे से रीमेक करके ऑडियंस को एक नया टेस्ट देना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो टेस्ट बदलते रहते हैं। इस तरह दिलबर सॉन्ग पुराना था लेकिन लेटेस्ट उन्होंने करके दिया, अच्छा लगा। लेटेस्ट बल्कि ज़्यादा सुना गया पुराने वाले से भी ज़्यादा। तो अब देखेंगे ये सॉन्ग कैसा होने वाला है टी सीरीज, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। जब टी सीरीज हो, अजय सर हो, नोरा फतेही हो, तो ये नहीं वो अभी सॉन्ग आएगा, वो सॉन्ग हाँ उस, अब मुझे वो सॉन्ग का भी इंतजार है। और ऊपर से सिद्धार्थ की जो एक्टिंग है ना यार, बहुत जबरदस्त है। कितना एक जितना स्टार्टिंग में जिसने भी गाड़ी चला रहा होता है, मेरे माइंड में श्रद्धा और सिद्धार्थ का वो एक विलन वाला सीन आ गया, ये वो भी गाड़ी में फोन पे बात कर रहे होते हैं अचानक से, फिर थैंक गॉड में इसको लेके जाते हैं वहाँ पे, लड़कियाँ होती हैं वो कहते हम गेम खेलेंगे, मैंने माइंड में स्क्विड गेम, मैंने कहा नहीं ये कैसे है, फिर देखा कि वो स्पेस में होते हैं, वो नॉट इवन ऑन अर्थ। हाँ, वो किसी क्या मतलब क्या सेगमेंट है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या स्टोरी है, आई कांट गेस, वो हाँ आई कांट गेस। और नाम भी देखो थैंक गॉड, मतलब कितना सिमिलर है। और वो सीन कितना फनी था जिसमें वो कहता है हर पराई लड़की को, मुझे लगता है ये जो इसका एक्सीडेंट होता है ये खुद ही माइंड में कर रहा होता है। बीच में से एक सीन आता है ना हॉस्पिटल में होता है, और क्योंकि इस तरह की एक मूवी आई थी बार बार देखो, वो थी सिद्धार्थ और कैटरीना कैफ की, उसमें वो जिसका वो गाना नहीं था वो भी मैथमेटिशियंस, वो कैलकुलेशन करते 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 पता नहीं किधर वो क्या हो जाता है, तो बाद में समझ आता है वो सारा ख्वाब ख्याल था। तो हो सकता है इसमें, हो भी सकता है ये तो गैस है हमारा, लेकिन जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत कॉमेडी है। नोरा फतेही का भी अच्छा, नोरा का डांस और उससे हट के सॉन्ग से हट के ना थोड़ा बहुत रोल भी आया है, वो आती है, वो तो सॉन्ग ही वाला होगा, सॉन्ग का भी हो सकता है वैसे अगर सॉन्ग, हाँ वैसे क्योंकि अगर नोरा ऑफिशियली आती तो क्रेडिट देते हैं, जब इन्होंने क्रेडिट्स नहीं दिए दैट मींस वो किसी सॉन्ग में ही है, पता नहीं वो सॉन्ग क्या करेगा टी सी से, क्या धमाल मचाएगा। ओवरऑल अजय सर ने जो एक कैरेक्टर वो किया ना, वो कहते हैं कि मैं मर गया हूँ, कहते नहीं ना तुम मरे हो ना तुम जिंदा हो, दैट मींस कोमा, वो हॉस्पिटल ही है, हाँ ना मरे हो ना जिंदा, वो कोमे में ही है, लेकिन क्या मजे की इमेजिनेशन हो रही है। टोटल कॉमेडी है, टोटल एंटरटेनमेंट है, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं हर तरह की मूवी आ रही है लेकिन फुल ऑफ कॉमेडी और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, से भूल भूलेंगे टू आई कर बहुत चली है, ये भी बहुत चलेगी क्योंकि बहुत कॉमेडी, बहुत सैड इंसान हर बार डिप्रेशन और सैड रहता है, इस तरह का एंटरटेनमेंट आना चाहिए जो फन हो और कॉमेडी से भरा हुआ हो, तो वो नजर आ रहा है। इन्होंने अपनी सब आर्टिस्ट ने अपनी बहुत मेहनत की हुई है, मुझे इंतजार इस गाने का भी है, ये जो मनी के मांगे हाँ। थी कि जो ट्यून आ रही है, मैं देखना चाह रहा हूँ रीमेक वर्जन में कैसा आएगा। तो आपका जो ओपिनियन है इस ट्रेलर से रिलेटेड, इस वीडियो को भी करो यार शेयर, ताकि वो भी इसी तरह एंटरटेन हो सके, अपना स्टांस हमारे साथ शेयर कर सके। रखना है आपने ढेर सारा ख्याल, लेकिन शेयर करना है लास्ट में, सब्सक्राइब, गुड लक।